सो हेलो गाइस, वेलकम बीजे ब्लॉग। इस समय है हम स्टेडियम में, वो वाला स्टेडियम ही जहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला है, पर हम हैं स्टेडियम में। आप देख सकते हो इस टाइम हम स्टेडियम में बैठे हैं, बहुत सारी ऑडियंस यहाँ पे है ना, बहुत सारी भीड़ है। और ये मोहतरमा भी हमारे साथ है, और ये भी हमारे साथ है। ये है मेरे भाई साहब, और ये है मेरी दीदी जो बहुत दिनों बाद मुझे मिले हैं। और यहाँ पे होने वाला है मैच। दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी इस मैच के बारे में? बहुत बढ़िया, और इन 7 दिनों में बहुत ही लजीज खाना खाया हमने। तो एक्चुअली भैया भी थे मैच में, पर क्या ही कहूँ मैं, वो पहले ही आउट हो गए, पता नहीं क्या हुआ। चुनौती लग गई है। सो यहाँ पे अब मैच होने वाला है। मैच कौन सा होने वाला ये तो बताओ। मैं उसके पास फूल दिया, मेरा चला भी कुछ, मेरा पेट भी कुछ, पर कहना इतना हिल गया। मैं सुबह उठा तो मेरा ये जो एंट्रिंग होने वाली है टीम्स की, वो है यहाँ पे। अभी मैच शुरू नहीं हुआ है, 9:30 हो गए हैं रात के, अभी मैच शुरू होगा। और यहाँ पे सिर्फ 2 टीम्स जो है वो एंटर कर रही हैं। अभी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इस पे बात हो रही है। शेख अब्दुल्ला जी आए हुए हैं, देखिए दुबई से आया मैं, इसलिए इनका जर्सी भी गोल्डन बनवाया। दुबई से आए हैं जी शेख जी, इनका भी गोल्डन है। ये क्या लेकर आता आज? तो सिर्फ यही जीतेगा। क्यों भाई, क्या दिया? कोई आवाज नहीं। जोर से के आर, 1 2 3 इंडिया क्रिकेट का जो अब आईपीएल होता है, ये वाईपीएल है, युवक प्रीमियर लीग। सही बात है, वैसा ही आज है जैसे इंडियंस और पाकिस्तान वाले एक्साइटेड होते हैं ना टीम्स के लिए, वैसे ही। ये देखो टीम्स की एंट्री हो रही है। ये जैन प्रीमियर लीग है वैसे। आप सामने देख सकते हो, एक येलो जर्सी में और एक रेड जर्सी में। आज हमने किस टीम को सपोर्ट करते हैं? हम येलो। वैसे भी जब रेड टीम का पूछा गया था कोई नहीं बोला था, तो इसलिए हम येलो टीम को ही सपोर्ट करेंगे। सो पंच नमो कारो सब पाप पनासनो मंगलानंच सबे सिं परमं हवाई मंगल। लेट्स स्टार्ट द प्ले। का इंतजार था, वो घड़ी आ गई। मैच शुरू होने वाला है। बॉलिंग वाली टीम आ चुकी है पिच पे, और जो दूसरी टीम है वो वहां पे। देखते हैं आप पहला खिलाड़ी कौन आता है और कितने चौके छक्के लगाता है, है ना दीदी? यस। हमारे मध्य और इसी बीच क्रैश नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज कैप्टन आदिश स्टार बैट्समैन गौरव जैन मैदान में उतरते हुए। बताना चाहूंगा कि 12 ओवर का फाइनल रहेगा। एट 7 5 4 3 2 1 All the best, let's play. जोरदार तालियां। और यहां पर बॉलिंग की कमान रुद्र के हाथों में, पीपी वॉकर्स के स्टार गेंदबाज। पहली बॉल इस बार लोअर पॉइंट टॉस, बल्ले का भीपी किनारा लेकर गेंद शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में बढ़ती हुई। एक ही रन से संतोष करना होगा। क्रिश नाइट राइडर्स का बॉल और गेंद मैदान के बाहर। हो चुके हैं, मतलब बेहतरीन शॉट, फिर
से एक अच्छा शॉट आया। अभी सेकंड ओवर चल रहा है और 44 रन हो चुके हैं। अगर ये टीम क्रिकेट खेलने इंडिया के लिए जाए तो अच्छी रहेगी, अच्छे तो जिता पाएगी। सही में कह रही हूँ, ये वाली टीम जो है इंडिया के लिए खेले तो अच्छे से जीत पाएगी। कमबैक करते हुए मतलब कंटिन्यूअसली सिक्सर आ रहे हैं। अभी तक फोर्थ ओवर चल रहा है और आप मानोगे नहीं कि 73 रन हो गए, 73 रियली, मतलब और बल्ले के नुकसान के बगैर मतलब कोई विकेट नहीं गिरी अभी तक। कैप्टन ने खेला और सेंचुरी होने वाली है। मुझे लगता है कि 6 ओवरों में ही सेंचुरी हो जाएगी इन्होंने ऐसे ही मतलब रन लगाए। देखा बोला था ना 6 में 6 पर वाइड बॉल होगी। वेस्ट नाइट राइडर्स अगेन सिक्सर, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब एक बॉल छोड़ के सिक्सर आ रहा है और आप स्कोर देख सकते हो। बहुत अच्छा देंगे अगली बॉल। बच गए। 6 ओवर हुए हैं और 93 रन हुए हैं, यानी मुझे लग रहा है 200 से अबव का टारगेट पक्का मिल जाएगा। भैया ये 4 और 6 ही मार रहे हैं, सीरियसली इनकी पक्की करवाओ वहाँ पे सीट। सुगम जी अगेन सिक्स। इसी के साथ एक रन कम और सेंचुरी पूरी होती हुई। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से हवन कराया इन्होंने पूरा, है ना, और कुछ मैच, देखो सीरियसली 99 हो गए हैं, सेंचुरी से सिर्फ एक कम कंपनी की ओर से। और इस बार बेहतरीन शॉट एचआर पेविलियन की ओर करता हुआ, लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद। क्षेत्र रक्षक कितना तिकड़ा फाड़ा, और अपनी सेंचुरी जो है वो कंप्लीट होती है। 7 ओवर खत्म होते हैं और ट्रिपल वन हाथ में आते हैं। ट्रिपल वन आज इन्होंने लगता है महादेव की ना अच्छी सी भक्ति करके आए हैं, अच्छा सा हवन करके आए हैं कि आज 6 से 6 लेना है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि ओपनर्स ही अभी तक खेल रहे हैं, ओपनर्स ही आउट नहीं हुए। बहुत अच्छा से कैच हो सकता था और नो बॉल होगी, यानी कि अब इस बॉल पर फ्री हिट मिलेगी। वाओ फ्री हिट मिल गई, नो बॉल थी, आउट भी नहीं होना था। 6 पे 6 पे 6 पेंटेक्स सिक्सर, पेंटेक्स बाउंड्रीज की बरसात होती हुई क्रिश नाइट राइडर्स के इन दोनों बल्लेबाजों की ओर से। 6 6 6 बात उन्होंने सही कही है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम खेल रही है, ऐसे वाला ही लग रहा था मैच, है ना। सच में बहुत अच्छी गेम थी, बहुत अच्छी प्लेयर ना, परफेक्ट। और टारगेट मिला है 228 का, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है डिफीट करना, मतलब एक सेंचुरी, मतलब 1.5 सेंचुरी तो अकेले जो कैप्टन था आदीश जान उसी ने मार लिया। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा और ये पिच बताएगी। जैसा कि अब सेकंड टीम जो है वो पिच पे आ चुकी है और ये भी चौके छक्के थोड़े बहुत लगा रही है, पर इतने नहीं कि जैसे कि पहली टीम लगा रही थी, पर देखते हैं कि क्या बनता है। और इस समय रात के 11:30 बज रहे हैं। कैन यू इमेजिन, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का शुभम चे देखना, एंड मोमेंट देखना बहुत ही बढ़िया विकेट, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके
मतलब कोई सिक्सर वाली गेम नहीं है, हमें साफ पता चल रहा है कि कौन सी टीम जीतेगी। ये जो रेड वाली टीम है वो जीत के जाएगी, यानी क्रिश नाइट राइडर्स जो है वो आज जीतेंगे। क्लियर हो गया मैच, क्योंकि 8 ओवर हो गए और अभी तक इनकी सिर्फ सेंचुरी हुई है भैया, सेंचुरी। तो क्या लगता है यहाँ से? कुछ नहीं लगता। तो गाइज इस समय रात के 12 बज गए हैं और जिस टीम का हमने कहा था वही टीम जीती है, ऑब्वियसली पता चल रहा था उनका, क्योंकि जो दूसरी टीम थी, राइवल टीम थी, उनके जो विकेट थे सारे मात्र और मात्र 8 मतलब ओवर में चले गए थे, इसलिए वही टीम जीती। फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं घर, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा लेट हो गया है और मैं एंडिंग आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि हमें आने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, इसलिए हम निकल आए हैं। बट रिजल्ट हमें पता चल गया था क्योंकि बाहर आते आते अनाउंसमेंट हो गई थी कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी। इस समय रात के 12:30 बज गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं घर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। वर्ल्ड कप वैसे भी शुरू हो गया है और ये थोड़ा सा छोटा सा मजा था वर्ल्ड कप का, कि वर्ल्ड कप होता कैसे है। वैसे इस मैच में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उफ ये जलंधर की सड़कें, उफ ये जलंधर के गड्ढे, ओ माय गॉड। सरकार से मेरी बहुत अच्छी वाली और रिक्वेस्ट है कि ये गड्ढे जो है प्लीज़ भर दिए जाएँ, सड़कें जो है अच्छी कर दी जाएँ, ताकि रोड बाइकिंग कर रोड ट्रिप करने में जो है वो ज़्यादा मज़ा आए। अब तब तक के लिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।